हाँ जी दिलीप जी, क्या आप कहना चाहते हैं आप? मैं दिलीप गिलरा नोर से, मेरी अंकगणना है उस हिसाब से इंडिया के अंदर जनवरी 10 उसके बाद में 23 से लेके 26 जनवरी तक एक भयंकर भूकंप आने वाला है। जगह पोर्ट प्लेयर, दक्षिण का कुछ हिस्सा, उड़ीसा और दिल्ली में जबरदस्त झटके आएंगे। मेरी अंकगणना के हिसाब से आज तक मेरी भविष्यवाणी बिल्कुल सही रही है और आगे भी मुझे उम्मीद है ये सही रहेगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार इसमें सचेत हो, लोग इसके बारे में ध्यान दें ताकि आगे सुरक्षा की व्यवस्था हो सके, लोग इसके बारे में समझे कि भूकंप आने पे हमें क्या क्या आपदा से कैसे बचना चाहिए। तो आपके हिसाब से कितनी तीव्रता रहेगी इस बार? मेरे हिसाब से करीबन 7 पॉइंट से ऊपर और 8 पॉइंट के बीच में रहेगी, जिसमें एक विनाशकारी भूकंप है। जैसे भुज में आया था तब भी मैंने अपने यार दोस्तों को बताया था, काठमांडू में आया था 2015 में तब भी मैंने दोस्तों को बताया था, वो भी आया था। दिन दो चार दिन इधर उधर हो सकते हैं, बाकी ये फाइनल है कि भूकंप आएगा उसी समय। और ये आप बता रहे थे कि भी एक भूकंप और आएगा बाद में, और उसके बाद में एक भूकंप और आएगा फरवरी में। वो जगह है भूटान, नेपाल, फिलीपींस, इंडोनेशिया, यहां भी वही 7.5 के तीव्रता से आएगा, वो भी एक विनाशकारी भूकंप होगा। तो आप ये कैसे अंकगणना कैसे करते हैं, कैसे मान लो क्या हुआ है? ये मेरी अंकगणना काफी 15-20-25 साल से मेरी ये चल रही है दिमाग से, मैं अपने आप सेटिंग कर रहा हूँ और अंकगणना निकाल रहा हूँ। मैं ना पढ़ा लिखा हूँ ज्यादा ना कुछ है, मेरा खुद का नॉलेज है और आज तक सारा सही गया है और भविष्य में ये सारी भविष्यवाणी मेरी सही जाएगी, ये मुझे उम्मीद है पूरी। कितनी कर चुकी अब तक आप भविष्यवाणी जो सही हो चुकी है? अभी तक मैंने 8 से 9 भविष्यवाणी की है, सुनामी भूकंप सारी पर की अपने यार दोस्तों के है, ना मैंने फेसबुक पे डाली ना यूट्यूब पे डाली तो ना पेपर में। इस बार पहली बार आप सार्वजनिक रूप से? हाँ, पहली बार कुछ लोगों ने कहा कि आप पेपर में दो, तो मैं तो डर रहा था कि अपने क्या है, अपने तो शोक था, फिर भी मैंने कहा ठीक है, इसमें देश का कुछ भला होता है, कुछ नागरिक सुरक्षित रहते हैं, तो अपने क्या है बताने में। एक आप बता रहे थे सांप का भी कोई आप जैसे? हाँ, मैं जैसे अपने 1-1.5 महीने पहले जैसे कभी जाते हैं खेत में, कोई सांप की हलचल, चिड़ियों की, जमीन की, आसमान की, ये देख के फिर उसके बाद में मैं अंकगणित जोड़ के उस हिसाब से निकालता हूँ। आपका अनुमान खाली गया हो? ना, मेरा अनुमान आज तक खाली नहीं गया और शायद आगे भी नहीं जाएगा। ये अंकगणित की शुरुआत कहाँ से हुई सबसे पहले? कहाँ से? सबसे पहले मेरी हुई थी भुज वाले से, लातूर में आया था ना भुज का, वहां से हुई थी। उसके बाद मुझे एक शौक हो गया इसका और मैं उसके बाद में जोड़ बाकी निकालना शुरू कर दिया अपने आप। ज्यादा मैं ज्योतिष पत्रे का ज्यादा जानकार नहीं हूँ पर इस चीज का मुझे बहुत अच्छा नॉलेज है, उस हिसाब से मैं निकालता हूँ। और मुझे ना शौक है ना कोई ये मेरा धंधा है, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, ना मैं इसमें कोई पैसा कमाना चाहता हूँ ना कुछ। जो वैज्ञानिक होते हैं जो वो इस बात में चीजों को मानते नहीं है, गणना ज्योतिषी भविष्यवाणी को मानते नहीं, फिर भी आप? वैज्ञानिकों का अलग है, वैज्ञानिकों की सही हो या ना हो, अपनी आज तक बिल्कुल सही गई है। ठीक है।